जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुलेख लिखने के लिए जो हम स्केच काटते हैं तो कैसे काटना है, तो और सुलेख के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि स्केच कैसे आपको काटना है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें एक ब्लेड जो कि नई होनी चाहिए, क्योंकि नई ब्लेड नहीं होगी तो काटने पर सफाई नहीं आएगी और फिर इससे आपका सुलेख अच्छा नहीं बनेगा। और हमारे पास एक स्केच होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लू और एक ब्लैक स्केच है। तो ब्लैक को तो हम पहले ही काट चुके हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है, और हम अब ब्लू स्केच को काटेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे काटना है। सिंपली पहले हम आपको इसका एक मॉडल दिखा देते हैं कि वास्तव में हमें काटना कैसे है। तो आप सब ने हाइलाइटर ज़रूर देखा होगा, तो हाइलाइटर में आप देखें तो कुछ इस तरीके से कटा होता है, स्लैंट ये दोनों साइड से कटा होता है, उसके बाद इसको तिरछा काट देते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ही स्केच भी काटना है, तो ठीक है फिर हम आपको दिखाते हैं काट करके। और आप अगर इसको काटेंगे तो मुझे भरोसा है अगर आप अच्छे से इसको देखकर समझ लेंगे तो आप ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर स्केच काटते वक्त स्केच ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हमने सीखा था तो कुछ गलतियां हमसे भी हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ब्लेड बिल्कुल नई होनी चाहिए, तो ये हमारे पास ये नई ब्लेड है, इससे अभी मैंने केवल एक स्केच काटा था। तो इस स्केच को काटने के लिए जैसा आपने अभी देखा कि जो हमारे पास हाइलाइटर था उसमें मैंने दोनों साइड से कटा हुआ था, उसके बाद तिरछा काट दिए थे। तो इसके लिए भी हम इसको अपनी उंगली के टिप पे रखेंगे और फिर इसको हम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इसको एक तरफ से इसको ऐसे काट देते हैं। ठीक, तो हम इसको काटते हैं। ये तो ये एक तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिख नहीं रहा है फोकस, ए देखिए हमने इसको एक तरफ से काट दिया है। अब कटे हुए हिस्से को हम अपनी उंगली के टिप पे रख करके ऐसे, और दूसरे साइड को भी हम आसानी से काट लेंगे। एक मिनट, तो ये आपने देखा, तो ये कटा हुआ हिस्सा है, इसको हम ऐसे करके और फिर इस तरफ से इसको हम काट देंगे। तो चलिए हम इसको काटते हैं, और ये दोनों तरफ से जब आप इसको छील देंगे ना तो ये पतला सा चपटा हो जाएगा, और चपटा होने के बाद, और ध्यान रहे इसको बहुत पतला भी नहीं करना है। ठीक, अब देखिए इसको आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये इधर और इधर दोनों तरफ से चपटा हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, किसी भी एक चपटे हिस्से को आप, देखिए मैं दूसरा पेज लेता हूँ, ले लीजिए, तो आप इसको ऐसे रख करके, ठीक देखिए ये पतला होगा, लेकिन अब इधर से करेंगे, देखिए ये, तो जिस हिस्से से ये देखिए मोटा चल रहा है, यानी कि चपटे हुए हिस्से को हम क्या करेंगे, एकदम से रख करके कागज़ पर, और उसके बाद इसको हम तिरछा अब काट देंगे। ठीक, बहुत तेज़ी से इसका रंग फैल रहा है इसलिए कागज़ ख़राब हो रहा है। तो चलिए देखिए हमने तिरछा इसको काट दिया, अब आप देख सकते हैं फोकस नहीं हो रहा है, अब आप देख सकते हैं ये तिरछा कट चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, अगर ये अच्छे से कटा है तो ठीक है, और अगर नहीं कटा तो हम इसको एक बार पुनः ट्राई करेंगे। ठीक, तो देखिए चलिए हम इस पर कुछ लिखते हैं और थोड़ा सा
कैमरा दूर करके चलिए लिखते हैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। तो जैसा कि हमारे पास एक कोटेशन पहले ही से लिखा हुआ था, इसी को चलिए हम उतारते हैं। ठीक कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। ठीक अभी आप फ़र्क देखेंगे कितना फ़र्क होता है बिना कटे हुए स्केच से लिखने पर और काटने के बाद हम जो लिखते हैं कितना अंतर है। तो चलिए आप ही के सामने है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने ये छोटा सा एक अभी सर्कल बनाया है, लेकिन देखिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, मतलब अभी स्केच सही से नहीं कटा। ठीक तो क्या कमी रह गई है ये आप देखें, ये थोड़ा सा कम तिरछा, हल्का सा और इसको ज़्यादा तिरछा करते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि जब जब हम काटना स्टार्ट करते हैं तो इसका रंग बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि कागज़ पे रख के काट रहे हैं। अगर इसको आप किसी दफ्ती या फिर ऐसी जगह पे रख के काटिए जहाँ पर फैले नहीं, तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये फैल जा रहा है कलर और इसे पता ही नहीं चल रहा है, तो ये हमने दफ्ती लिया। आप भी कर सकते हैं काम, क्योंकि ये आपके सामने अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो दिख रहा है कि कितना हमको काटना। देखिए तिरछा बहुत ही कम है, तो ज़्यादा नहीं करना है, लगभग वन अपने हिसाब से जितने डिग्री पे आप पेन को घुमा के लिखते हो तो अपने अपने अनुसार है। अब देखना इस बार काटने के बाद ये वो दिक्कत नहीं आएगी जो आ रही थी। ठीक एक ही बार में इसकी सारी कमियां दूर कर लेते हैं। और हाँ एक चीज़ और हम आपको बता दें साथ ही साथ में कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो ये टिप है ये ज़्यादा बाहर नहीं होती, जिससे हमें काटने में समस्या होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि इसको यहाँ पर ऐसे करके और हम इसको बाहर खींच लेते हैं, थोड़ा सा हाथ में स्याही लग जाएगी लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और इसके बाद हम इसको देखिए इस तरफ से इसको हम पकड़ के दबाएंगे और इससे ये थोड़ा बाहर, देखिए बाहर आ चुका है। अब हम इसको पुनः जो है इसी में लगा देंगे और देखिए अब आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए है ना। दिखा देते हैं फर्क, देखिए ये देखिए मैंने एक सिंपल से लिखा था मैंने। ठीक तो आप देख सकते हैं इसमें वो ख़ास बात नहीं है या फिर वो आकर्षण नहीं है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। और तो ऐसा लिखना कितना अच्छा है। तो इस वीडियो में तो केवल मैंने आपको स्केच काटना बताया और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यकीन मानिए मैंने इसके फ़ायदे उठाए हैं और मैं आपको इसके प्रमाण भी दिखाऊंगा। तो ये हो गया स्केच काटना, और अगर आप लिखना भी सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इसका बेसिक से लेकर और अंत तक जितना भी अच्छी अच्छी इसकी ख़ास बातें हैं वो मैं करीबन 10 वीडियो में कंप्लीट करके आपको दूंगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़े रहना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।